विराजमान हमारे जितने भी लकड़ी के प्रेमी श्रोता यहां विराजमान है, सभी से निवेदन है शांति बनाए और लकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं और मैं तो यही कहूंगा कि आपके बीच में जो कलाकार आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैं तो उनके चरणों की जो रज होती उसके बराबर भी नहीं, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से और लोगों की कृपा से जो मैंने प्राप्त किया है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गौर दीजिएगा, हर कलाकार का अपना अपना तरीका होता है गाने का। सुनिए, कभी ने कलम को उठाया चार पंक्तियों में लिख दिया, भैया जी क्या लिखा, गौर दीजिए। लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी नास वंश को कहायो है। और कहा कबूरिया था मेरा दा, और जानी भैयन से गोरे लाल मन में विचार करो, भैयन से बिगाड़ कहो कौन सुख पायो है। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश, आइए ना कोई साखी और ना ही कोई भवानी, सीधे सीधे प्रसंग की तरफ केंद्रित करूंगा आपके दिमाग को। गौर दीजिएगा, जहां मेरा प्रसंग चल रहा था, यानी मेरा प्रसंग था जरासंध का जन्म और जरासंध की मृत्यु की कथा। आहा, जब धर्मराज ने पूछा कि भगवान बताइए उसका जन्म कहां पर हुआ, भगवान ने बता दिया धर्मराज बृहद्रथ नाम के राजा हैं और मगध देश में रहते हैं, दो दो रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं थी। आहा, बताया एक दिन कुछ संत दरवाजे पर आ गए, संतों के प्रति बड़ा आदर भाव था राजा के हृदय में, संतों को जैसे ही दरवाजे पर देखा आहा, राजा दौड़ता हुआ दोनों रानियों को साथ लेकर के संतों के पास में पहुंच गया। कहा है संत शरण में आ गए तीनों, संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैर आई है, इच्छा जान संत ने सारी। कहते संत तो घट घट के बासी होते हैं, इच्छा जान संत ने सारी, कोई अजब करिश्मा किया और एक फल राजा को झोली में से फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा राजा इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दे, इससे रानी गर्भवती हो जाएंगी। आहा बंधुओं, आज राजा ने फल को हाथ में ले लिया और वो राजा क्या कर रहा है सुनिएगा हम बने ठीक। कोई बाटी बराबर हेर दियो है, और दौरानी पास, अरे दौरानी पास हेर बुलाए सो खिलाए दियो है।
रह गयो गरबा प्रभु की लीला जान न कोई पायो है। रह गयो गरबा प्रभु की लीला हेरे जान न कोई पायो है। हेरे जान न कोई पायो है। और हरी कहे हा हरी कहे कोई हरी कहे नानू को राजा फूलो नहीं। राजा ने जब फल को खिलाया दोनों रानी गर्भवती हो गई। कहा है कैसी प्रबल प्रभु की माया, कैसी प्रबल प्रभु की माया, भूख में हंसाता है। अरे पता नहीं कब क्या हो जाए जान न कोई पाता है। सो मान रहो एहसान संत में महात्मन आज आपने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। मान रहो एहसान संत में और गुनगुनाए भूलू तेरा तेने वंश चलाए दियो। बड़ा एहसान मंद हूं मैं आपका जो आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है। आहा बंधुओं दोनों रानी गर्भवती हैं। अब तो घर में महलों में खुशियां आने का समय हो गया, 9 महीने पूरे हो गए। लेकिन होता क्या है सुनिएगा। पूरे भय नौ मास, पूरे भय नौ मास महक रहे महलन मिर गेंदा। पूरे भय नौ मास और महक रहे महलन मिर गेंदा। तसल्ली ना आवे मन पूरे तसल्ली ना आवे मन को वो तसल्ली ना आवे मन को। और लिखो कहा लिखो कहा लीला रखो के आई अपने कर मन को। दुखी हो गया वो तसल्ली ना आवे मन पूरे तसल्ली ना आवे मन को। ये क्यों बंधुआ वो तसल्ली ना आवे मन को। तसल्ली ना आवे मन को लिखो कहा लीला रखो कि नहीं।
अपने कर्मन को और कहा दुखी रही अरे दुखी रही वो दुखी रही नारी ने की बासू रे दुखी रही नारी ने की बासू आहा बंधुओं वो दुखी रही नारी ने की बासू दोनों रानी दुखी हो गई, रोने लगी। जो खुशी का समय आने वाला था आज गम में बदल गया। पुत्र तो हुआ लेकिन दो हिस्सों में दो टुकड़ों में। आहा बंधुओं, बताया है गम के बादल उठे महल में, गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमान में पूरे भाग हमारा फूट गया। दे आवाज बुला ली दासी, आहा राजा ने आदेश दे दिया, दासी को बुला लिया। दे आबाद बुला ली दासी और जा छोरा को ले जाओ और कहू दूर फेंक के आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, कहीं महलों से दूर जा करके फेंक दीजिए। आहा ऐसा ही किया गया। आप दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है, कहां गई सुनिएगा क्या लिखा। अरे झाड़ी में मई डार सुना दो, अरे भारा महल के पीछे राक्षसी और वहां रहे राक्षसी एक सो महल के पिया राक्षसी रहती है। क्या लिखा सुनिए, जैसे ही बच्चे को देखा राक्षसी लंबी लंबी सांस लेने लगी, सोच रही है आज तो मेरा भोजन आ गया। अरे ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के, और ये 101 रुपए का पुरस्कार नरेश सोलंकी जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। घेरे ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के, और पूरे लंबी खाए सो अंत ले राक्षसी ने विचार कर लिया, इस बच्चे को यहां से कहीं दूर ले जाकर के भोजन करूंगी। जैसे ही बच्चे के पास में पहुंची, जाकर के बच्चे को उठाया, दोनों टुकड़ों को हाथ में ले लिया, लेके भार धराने दोनों आपस में वो चिपकाई। अरे जिंदा कुमार भयो हाथन में देख राक्षसी
बिछाई, आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में, अब ना डाकू खाओ और राजा को वंश। मन में विचार कर लिया इस बच्चे को अब खाऊंगी नहीं तो महलों में लेकर के जाऊंगी। आहा, आज महलों की तरफ चलने लगी। राजा के दरबार में पहुंच गई, जाकर के राजा के हाथों में पुत्र को सौंप दिया। आहा, नगर में समाचार फैल गया राजा के यहां पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो जितने भी नगर के नर नारी हैं सभी आनंद मग्न हो गए, जयकारे लगा रहे हैं। इस तरीके से सुनिएगा जिकड़ी का ढोला। हे रक्षा जनता है रही। ओ आहा बंधुओं, हेरे घाय जाने, घाय जाने दियो है कुमार पूरे बाप सघा। लेकिन बताया मंगल घर घर मंगल गीत गवाए, नर नारी सब ही हर साए, घर घर मंगल गीत गवाए, नर नारी सो सब ही हर साए, नर नारी सब ही हर। और ये 500 एकड़ का पुरस्कार श्री ब्रजेश थानेदार जी की तरफ से, और पवन भैया ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी होती है और समझदार के लिए सारा काफी होता है। सुनिएगा, अरे घर घर मंगल, घर घर मंगल गीत गवाए, और नर नारी सब ही हर साए। कहा जाकर के महलों में सभी ने उस पुत्र के दर्शन किए हैं, बड़ा ही आनंद है। आइए झिकड़ी की लास्ट बात जिसे उड़ान कहते हैं सुनिएगा उड़ान, और उसके बाद में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुनिएगा, सो बोले भूपत बेन संधि करी लो जराने, नाम जाको जरा संधि होए, नाम जाको
जाय कहू शस्त्र को देव हो जाय कहू देव को शस्त्र जाय कहू देव को शस्त्र सके ना हानि आइए ये झिकड़ी की पूरी और अब एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आगे और गीत ऐसा हेलो आपसे देशभक्ति के गीत की फरमाइश हो रही है आइए देशभक्ति गीत जैसी फरमाइश और वैसा ही गीत और हाथरस की हाथरस जिला से चलकर के आया हूं इसलिए वहां की एक छाप एक मशहूर बात जो कि आपने सुनी होगी हाथरसी मल्हार और वो मल्हार में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कुछ गाने वाले कहते हैं कि मल्हार सावन में गाई जाती है कहेंगे भी आकर के लेकिन वो मल्हार ब्रज की अलग है और ये हाथरसी मल्हार अलग है और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सदाबहार होती हैं आप जानते हैं उस बात को सुनिएगा। एक लड़की जिसका विवाह हो गया ससुराल पहुंच गई केवल दो ही बहन भाई थे एक भाई था उसका और वो भाई फौज में नौकरी करता है। आहा बंधुओं वो लड़की ससुराल से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने पीहर के लिए आ रही है बस की सीट पर बैठी है सामने एक लड़की बैठी हुई है आग में बैठी बैठी रो रही है आंखों से आंसू झर रहे हैं बिलख रही है तड़प रही है। पास में बैठी हुई लड़की ने सखी ने सहेली ने पूछ लिया बहन एक बात बता हर बहन वो लड़की जब रो रही थी तो पास में बैठी हुई सखी सहेली ने पूछ लिया बहन एक बात बता आज तो रक्षाबंधन का पर्व है हर बहन अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाती है बड़ी खुश होती है लेकिन तेरी तो आंखों से आंसू झर रहे रो रही है क्यों आहा आज जो उस पर गुजरी है जो बीती है बता रही है सुन बहन तू मेरे रोने का कारण पूछती है ना मैं तुझे बताती हूँ मेरे रोने का कारण क्या है मेरा एक ही भाई था और वो मेरा भाई फौज में भर्ती हो गया लेकिन दुश्मन की गोली उन पाकिस्तानी गद्दारों की गोली सीने पर ऐसी लगी कि मेरे भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा मेरा भाई शहीद हो गया मैं रोती तो इसलिए हूं मेरा एक ही भाई था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा आज मैं अपने घर जा रही हूं ये रक्षाबंधन का पर्व है किस तरीके से बता रही है सुन बहन मेरी बहना कारगिल पे भई लड़ाई सुन बहन मेरी बहना मेरी जीजी कारगिल पे भई लड़ाई वीरों ने धूम मचाई झंडा तो झंडा तो काड़ो जाए के सीम पे अरे मैंने ऐसी नाई बिचारी मैंने ऐसी नाई बिचारी वो पे बिछड़े मेरा पिरन हजारी झंडा
2000 फुट ऊंची चोटी पे कर दई चढ़ाई, 2000 फुट ऊंची चोटी पे कर दई चढ़ाई। और भारत के हो, भारत के हो, भारत के वीर जवानों ने दुश्मन से लड़ी लड़ाई, भारत के वीर जवानों ने दुश्मन से लड़ी लड़ाई। भागो भागो अब गद्दारो, प्यारे मारे दिखलाए थे चंदा तारे, मेरी बहन मेरी दीदी एक एक प्यारे मारे दिखलाए थे चंदा तारे, झंडा तो झंडा तो झंडा तो गाड़ो धाके दुश्मनों से हिम्मत नहीं हारी। हो हो मेरा भाई ने अफगानों से ऐलान कर दिया, और वो क्या कर दिया, मातृभूमि पे मर मिट जाऊं वीर सिपाही सच्चा, मातृभूमि पे मर मिट जाऊं वीर सिपाही सच्चा, झंडा ना झंडा ना झंडा ना झुकने पाए ये कहता बच्चा, झंडा ना झुकने पाए ये कहता बच्चा, बच्चा खून निकल गया समरे तन को, मेरी बहना मेरी दीदी मेरी बहना, तीनों ने न हिम्मत हारी दुश्मन की कर दई ख्वारी, झंडा तो झंडा तो झंडा तो गाड़ो भाई के रोती तो इसलिए हूं, मेरे जो घर की स्थिति है अगर तू भी जाकर के देखेगी तेरी भी आंखों से आंसू बहेंगे बहन। मेरे माता पिता जिस बाप का एक पुत्र हो और वो भी उन्हें छोड़ करके चला जाए, बता इस कलेजे पर क्या बीतेगी। आज जो उनकी परिस्थिति स्थिति है उसको अगर तू भी देखेगी तो तेरी भी आंखों में आंसू रुक नहीं सकते। हो कहां सुन बहन, मात पिता मेरे, मात पिता मेरे घर पे रोए थे है रही उनकी खारी, मात पिता मेरे घर पे रोए थे है रही उनकी खारी। अरे भैया के सुन बहन, कुछ समय पहले
भाभी के हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं छूटी, आज उसकी स्तुति है। कहने लगी, माता पिता मेरे घर पे रोए रहे है रही उनकी भारी, भैया के बिन भैया के बिन भैया के बिन भाभी मर जाए मार के कंठे, भैया के बिन भाभी मर जाए मार के कंठे कटारी। और अच्छो भया फौज में भर्ती, हो अच्छो भया फौज में भर्ती, रह गया सोता सोता। अरे हाथन से रह गया हमारे, बल्यो बनायो तो तारी बहन मेरी बहन, हिल की धरती ना डाटे पैरन धरती ना मेरी बहन, मेरी दीदी हिल की धरती ना डाटे पैरन धरती ना डाटे, झंडा तो झंडा तो झंडा तो गाड़ो जाए के निकल के वो भी शहीद हो गया, मुझे छोड़ करके चला गया। आज मैं अपने घर जा रही हूं, ये रक्षाबंधन का पर्व है और तू कहती है बड़ा खुशी का पर्व है, लेकिन एक बात बता, जब मैं अपने घर जाऊंगी बड़ा समय एक बहन अपने भाई के राखी बांध रही होगी, और जब मेरी नजर उसके ऊपर जाएगी कटा मेरे इस कलेजे पर काली लगी, उस सीन को उस दृश्य को मैं देख नहीं पाऊंगी बहन। आज इस रक्षाबंधन के पर्व ने मुझे मेरे भाई की याद दिलाती है। हो रक्षाबंधन ऐसो आयो मुए आवे याद भैया की, रक्षाबंधन कहते हैं बहन और भाई का एक ऐसा बंधन ऐसा प्रेम होता है जो वास्तविक इससे पवित्र दुनिया में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। रक्षाबंधन ऐसो आयो मुए आवे याद भैया की, अरे कहा करूँ कहा करूँ कहा करूँ कितने जाऊं बहन मेरी बात निहारत राखी, कहा करूँ कितने जाऊं बहन मेरी बात निहारत राखी, बहन कहा करूँ कितने जाऊं बहन मेरी बात निहारत राखी। और बहन सुन हेरे सीधो स्वर्ग सिधारो भैया, चला गया और मैं अपने भाई के बिना कैसे जी रही हूं। इस रक्षाबंधन के पर्व पर आज तू कह रही है मेरी आंखों में आंसू कैसे, ये 101 रुपए का पुरस्कार। अच्छा ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रही है हमारी माता जी कमला जी, हम माता जी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा रक्षाबंधन ऐसो आयो कोई आवे याद भैया की, अरे कहा करूँ कहा करूँ कहा करूँ जाऊं बहन मेरी बात निहारत राखी, सीधो स्वर्ग सिधारो भैया, स्वर्ग थे अयो। अरे बहना रो बहना रो बहना रो तेरे द्वार
सीमा पे गयो बोली जय भारत माँ की बोली मेरी बहन मेरी दीदी सीना पे खाए गयो गोली जय भारत माँ की बोली झंडा तो गाड़ो जाए के सीम पे ऐसी नाई बिचारी हो मैंने ऐसी नाई बिचारी मोटे अरे मोटे बिछड़े मेरे बिरन हजारी बिछड़े मेरे बिरन हजारी झंडा तो गाड़ो जाए के सीम।